डियर फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स मैं हूँ जुबैर एहसानी और आप हैं ऑनलाइन वेंचर्स के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है खैर मकदम है इस्तकबाल है एन सी आर टी सीरीज में आपका स्वागत है जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने सिक्स क्लास की एन सी आर टी कम्प्लीट कर ली है तो अब बारी है सेवेंथ क्लास के एन सी आर टी की थर्ड चैप्टर की तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो सभी यूपीएससी डिफेंस स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा सो so, हम लोग बिल्कुल एन को बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं उसी लेवल पर पढ़ रहे हैं तो जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए दीपिका गोयल जय हिंद अभिजीत हमारे साथ हैं पी के प्रिय हैं अरज रस्तोगी हैं परवेश साहब हैं हाँ और घटना चक्र की शुरुआत आज से हम लोगों ने कर दी है आपको पता होगा कि डेढ़ बजे से हम लोग जो एन का टाइम टेबल था उस एन की जगह पे हम लोगों ने घटना चक्र का संपूर्ण विश्लेषण करना चालू कर दिया है फ़िलहाल अभी वो YouTube पे नहीं आ रहा है वो आ रहा है ऐप पे। तो ऐप पे सब लोगों के लिए फ्री है तो हमारा जो ऑनलाइन वेंचर का ऐप है उसे डाउनलोड करिएगा और रोज़ डेढ़ बजे घटना चक्र के विश्लेषण में आप लोग ज़रूर हाज़िर होइएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज का टॉपिक था उसमें हमारा यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स कल जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा जो डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जैसे सुनार क्या होता है है ना बाकी जो डिवाइसेस हैं वो सब क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा डिवाइसेस का है ना तो जितने भी यंत्र होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोगों ने यूनिट्स और मेज़रमेंट डिस्कस किया था तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर थ्री तो चैप्टर नंबर थ्री डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारा जो ऑनलाइन बेंचर्स का ऐप है उसे आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि अभी जैसे जो क्लासेस चल रही हैं जो वीडियोस हैं हमारी जो फ्री की वीडियोस हैं इस ऐप पे उसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो हमारा घटना चक्र का संपूर्ण विश्लेषण चल रहा है ऐप पर जाकर उसको फ्री देख सकते हैं वो सब लिए फ्री है उसके लिए कोई कोई पैसा लिया नहीं जा रहा है ये जो ऐप है हमारा वो प्ले स्टोर पर मौजूद है तो ये देखिए घटना चक्र का जो संपूर्ण विश्लेषण है वो स्टार्ट हो चुका है इसमें जो है अभिषेक अजय सिंह की जो क्लासेस होंगी वो 12 बजे से होंगी और मेरी जो क्लासेस होंगी वो डेढ़ बजे से रोजाना हो रही हैं ठीक है आज से इसका आगाज हो चुका है तो चलिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्ड टॉपिक वो है फाइबर टू फैब्रिक है ना तंतु से जो है वस्त्र आज के डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं वोल की ऑक्यूपेशनल हज़र्ड की है ना उसके बाद हम डिस्कवरी ऑफ सिल्क की बात करेंगे और सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है सिल्क की प्रोसेसिंग कैसे कैसे की जाती है उसकी बात करेंगे तो दो फाइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाले दो रेशे दो फाइबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है एक है हमारा ऊन और दूसरा है हमारा सिल्क यानी रेशम आपको बताना है कि ऊन हमें किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है ऊन हमें किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है हाँ अभिषेक अजय सिंह सर की क्लासेस शुरू होंगी वो फ्राइडे से शुरू होंगी या जब भी शुरू होंगी आपको अभी टाइमिंग बता दी गई है अभी उनकी क्लास शुरू नहीं हुई है उनकी क्लास होगी तो बारह बजे से होगी या फिर अगर 12 बजे जिनकी क्लासेस रहती हैं जिन बच्चों की उसको मद्देनजर रखते हुए उसके टाइम को हम लोग और शिफ्ट करने वाले हैं जैसे जो हमारे पेट बैचेस के बच्चे हैं उनकी क्लास 11 बजे है तो वो क्लास उनकी छूट जाएगी तो देखेंगे हम लोग टाइम को अभी फिलहाल डेढ़ बजे आप लोग आया करें हमारे सेशन में इज इट क्लियर तो जो ऊन है वो कई जानवरों से मिलता है हमें जैसे कि भेड़ हो गया बकरी हो गया याक, याक और एक ऊंट से भी मिलता है और एक और जंतु है लैमा लैमा से भी प्राप्त होता है तो कई जंतुओं से हमें ऊन जो है वो प्राप्त होता है ठीक है इन जंतुओं के हेयर को काटा जाता है साल में एक बार इनके हेयर को काटा जाता है और उससे वोल बनाया जाता है ठीक है लेकिन जो अब पहले भी बताया है मैंने जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का ऊन है ऊन है जिसका नाम है पशमीना पशमीना नामक जो ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाता है शायद आपको याद हो जो सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन है और सबसे महंगा ऊन है जिसे हम पशमीना के नाम से जानते हैं पशमीना नामक ऊन जो है वुल है वो किस जानवर से प्राप्त किया जाता है ऑप्शंस हैं आपके शीप गोट याक कैमल ये चार ऑप्शन दे दिया मैंने शिप गोट या कैमल तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो ऊन है पशमीना वोन वो किस जंतु से प्राप्त किया जाता है जल्दी बताइए तो सिद्धांत कह रहे हैं कि पश्मीना गोट से प्राप्त किया जाता है दीपिका गोयल कह रही कि रैबिट से प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा गैज कि ये एक कश्मीरी बकरी से प्राप्त किया जाता है एक गोट से प्राप्त किया जाता है तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो ऊन है एक कश्मीरी बकरी है पश्मीना गोट उससे प्राप्त किया जाता है दूसरा जो बढ़िया क्वालिटी का ऊन है आपको बताया होगा मैंने सिक्स क्लास में भी अंगूरा अंगूरा नामक ऊन किससे प्राप्त किया जाता है अंगूरा नामक ऊन किससे प्राप्त किया जाता है ऑप्शन दे रहा हूं कैमल गोट रैबिट बताइए पश्मीना के बाद जो सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन होता है वो अंगूरा ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाता है हाँ बिल्कुल सही है सिद्धांत बिल्कुल तो ये जो प्राप्त किया जाता है अंगूरा ऊन एक प्रकार का रैबिट होता है बहुत ही खूबसूरत रैबिट एक खरगोश से प्राप्त किया जाता है तो जो ऊन है वो एक नेचुरल फाइबर है बताया था कि फाइबर्स दो तरह के होते हैं नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर तो ऊन जो है वो एक नेचुरल फाइबर है है ना जो एनिमल से प्राप्त किया जाता है आगे बढ़ते हैं गैस तो ऊल कैसे निकालते हैं उससे हम लोग कपड़ा कैसे बनाते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे तो वुल से ऊन से हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं कारपेट बनाते हैं वुलन स्वेटर्स बनाते हैं सैडल्स क्लोथ इत्यादि बनाते हैं चलिए अब आते हैं इनके हम लोग प्रोसेसिंग वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं तो रियरिंग रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप ज़्यादातर जो ऊन है वो भेड़ से प्राप्त किया जाता है ज़्यादातर ऊन जो मार्केट में आपको मिलते हैं वो भेड़ों से प्राप्त किया जाता है तो रेयरिंग क्या होता है रियरिंग क्या होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग फीडिंग एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू शीप भेड़ों को पालना उसकी ब्रीडिंग करवाना उसको खाना खिलाना और मेडिकल केयर उसकी देख रेख करना इस प्रोसेस को हम रियरिंग कहते हैं उसके बाद ब्रीडिंग क्या होता है कुछ स्पेशल जो जातियाँ होती हैं भेड़ों की जो जिससे हमें अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है तो उस सेलेक्टेड जातियों को आ, मतलब पालना उसकी ब्रीडिंग करवाना है ना ये ब्रीडिंग कहलाता है तो सम स्पेशल ब्रीड्स ऑफ शीप्स यानी भेड़ों की कुछ ख़ास प्रजातियाँ आर स्पेशली चूजन उनको चूज़ किया जाता है टू गिव बर्थ टू शीप ताकि वो भेड़ों को बर्थ दें जन्म दें विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर है ना जिसके पास बहुत मुलायम हेयर्स होते हैं दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट फॉर ऑप्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन दियर ऑफ स्प्रिंग्स इज़ नोन एज ब्रीडिंग है ना तो ब्रीडिंग क्या होता है कि वो प्रजातियाँ जिनके जो बाल होते हैं वो भेड़ों की प्रजातियाँ जिनके बाल थोड़े सॉफ्ट होते हैं उनमें बाल बहुत घने होते हैं ऐसी प्रजातियों को सेलेक्ट करना ऊन के उत्पादन के लिए इसको कहते हैं ब्रीडिंग आगे बढ़ते हैं प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल ये देखिए ये हम कैसे वुल से फाइबर कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले एक प्रोसेस होता है शेयरिंग शेयरिंग क्या होता है शेयरिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू हम रिमूव करते हैं हेयर को तो शिप की बॉडी से हेयर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे शेयरिंग कर कहते हैं स्कोरिंग क्या होता है स्कोरिंग का मतलब होता है कि भाई उसमें से जो डर्ट पार्टिकल्स हैं उन सब को धोकर साफ़ कर लेना सॉर्टिंग कहलाता है सॉरी स्कोरिंग कहलाता है उसके बाद जो uh, मतलब हेयर्स होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं डिफरेंट डायमीटर के होते हैं तो इन सब को अलग अलग कर देना यानी एक लेंथ के हेयर्स को एक साथ डिफरेंट लेंथ के हेयर्स को डिफरेंट वे में सजा देना इसको हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग उसके बाद हम उसको डाई करते हैं उसको रंगते हैं उसके बाद उसको स्ट्रेट करते हैं उसके बाद रोल करते हैं और उसके बाद फिर कॉम्बिंग करते हैं तो ये सारा प्रोसेस है मतलब वल के उत्पादन में तो इसको याद रखेंगे स्टेप्स को याद रखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है ऑक्यूपेशनल हज़र्ड क्या होता है ऑकुपेशनल हाज़र्ड याद रखिएगा कि वो बीमारियाँ जो किसी ऑकुपेशन की वजह से आदमी को लग जाती हैं जैसे कोई आदमी सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है तो उसको ख़तरा रहता है लंग्स डिज़ीज़ होने का है ना और भी जो केमिकल फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं स्किन प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है तो अगर किसी पर्सन के प्रोफेशन की वजह से अगर उसको बीमारी लग जाती है तो ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीजेस क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज उसके ऑक्यूपेशन की वजह से उसके रोजगार की वजह से उसको जो बीमारियां लग रही हैं सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको लंग्स की प्रॉब्लम हो जाएगी जो मतलब रेडिएशन में काम कर रहा है जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में काम कर रहा है उसको जो है रेडिएशन वाली प्रॉब्लम आ जाएगी तो ऐसे डिजीज को जो ऑक्यूपेशन की वजह से आ जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ और ये जो हानि होती है उसको हम क्या बोलेंगे ऑक्यूपेशनल हजार्ड वो लोग जो भेड़ों को पालते हैं उन्हें सॉटर्स कहा जाता है ओ आर टी आर एस सॉटर्स और जो लोग भेड़ों के संपर्क में रहते हैं उसको एक बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है उस बीमारी का नाम है एंथरेक्स तो एंथरेक्स क्यों हो रहा है एंथरेक्स इस ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहा है जो लोग भेड़ पालते हैं उसको चराते हैं उसके संपर्क में रहते हैं उन लोगों को एंथरेक्स बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है ये एंथरेक्स जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है ये भी याद रखिएगा एंथरेक्स क्या है एक जीवाणु जनित रोग है तो मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एंथरैक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये एंथरेक्स एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की कैटेगरी में आता है जो लोग भेड़ पालते हैं और भेड़ों के संपर्क में रहते हैं उनको ये एंथरेक्स नाम की बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है सो so, आप कह सकते हैं कि जो एंथरेक्स है जिसको हम लोग सॉर्टर्स डिजीज भी कहते हैं क्या बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज़ वो लोग जो भेड़ पालते हैं उसे हम क्या कहते हैं सॉर्टर्स कहते हैं सो so, हम एंथेरेक्स को शॉर्टस डिजीज भी कहते हैं सो वुल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मीनी पीपल इन आवर कंट्री बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है वो वल इंडस्ट्री पे निर्भर करता है लेकिन जो शॉर्टर्स जॉब होता है इज़ रिस्की एट समाइम्स दे गॉट इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरियम वो एक जीवाणु से इन्फेक्टेड हो सकते हैं और उनको बीमारी हो सकती है एंथरक्स सो एंथरेक्स को हम लोग शॉर्टस डिजीज भी कहते हैं और इस तरह से जो उनको नुकसान पहुंचता है तो इस इस बीमारी को हम क्या बोलेंगे ऑक्यूपेशनल डिजीज़ और इससे जो नुकसान हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्लियर है इतना बात क्लियर है सबको तो इन इन पॉइंट्स को याद रखिएगा इज इट क्लियर यहाँ तक क्लियर है एंथरेक्स बैक्टीरियल डिजीज़ है बिल्कुल सही है अभिजीत ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंथरेक्स क्या है तो एक बैक्टीरियल डिजीज है फैटल ब्लड डिजीज है बिल्कुल सही है क्लियर लाइक स्प्रेड वेरी गुड नाउ अब आ जाते हैं हम लोग सिल्क पे सिल्क की डिस्कवरी जो है वो चाइना में हुई है इस बात को याद रखिएगा सिल्क की डिस्कवरी कहाँ हुई है चाइना में हुई है सिल्क में सिल्क जो है सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है रेशम के कीटों से प्राप्त किया जाता है रेशम के कीट के लार्वा से लार्वा से प्राप्त किया जाता है तो अगर मैं बात करूं रेशम की सिल्क जिसको हम लोग रेशम कहते हैं तो सिल्क जो है वो सिल्क वम के सिल्क वम के लार्वा से प्राप्त किया जाता है लार्वा के किस स्टेज से प्राप्त किया जाता है लार्वा की किस अवस्था से प्राप्त किया जाता है ये बताइए ऑप्शन देता हूं कैटरपिलर, प्यूपा कुकून नन ऑफ दिस। तो सिल्क वर्म का जो लार्वा होता है जो रेशम का कीट का लार्वा होता है उसकी कई अवस्थाएं होती हैं तो रेशम के लार्वा के किस अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है तो लगता है कि सारे लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है कपिल सिद्धांत दीपिका गोयल अभिजीत सब ने बोला है कुकून बिल्कुल सही है उत्तर आप लोगों का तो कुकून से प्राप्त किया जाता है बिल्कुल सही है कई अवस्थाएं होती हैं लेकिन जो कुकून अवस्था होती है जो कुकून अवस्था होती है वो क्या होती है कि सबसे पहले सिल्क वर्म अंडे देता है और अंडे जब टूटते हैं तो लार्वा निकलता है और लार्वा जो है मलबेरी प्लांट के पत्तों को खाना शुरू कर देता है उस लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं कैटर पिलर. ठीक है उसके बाद क्या होता है कि जो कैटर है उसके अराउंड एक फाइबर जैसा बनने लगता है और वो ढक जाता है उस फाइबर से और उस अवस्था को हम कुकून कहते हैं इस कुकून को सुखा लिया जाता है या फिर पानी में बॉयल किया जाता है उससे क्या होता है कि उससे ये फ़ाइबर जो है वो सिल्क फाइबर अलग हो जाता है और फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो कुकून से प्राप्त किया जाता है सिल्क में एक प्रोटीन होती है सिल्क में एक प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम क्या होता है सिल्क में एक प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम क्या होता है सिल्क में एक प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम क्या होता है जल्दी जल्दी बताएंगे आकांक्षा शर्मा कह कि सर रिपीट अगेन देखो याद रखिएगा कि जो सिल्क वॉम सिल्क होता है वो सिल्क वॉम के सिल्क वॉम के लार्वा से प्राप्त किया जाता है अब लाल लार्वा के सिल्क वर्म के लार्वा की कई अवस्थाएं होती हैं एक अवस्था होती है कुकून उससे सिल्क प्राप्त किया जाता है बस इतना याद रखिएगा सिल्क वम इज ऑप्टेड फ्रॉम कुकून ऑफ सिल्क वम तो रेशम रेशम के कीटों के कुकून अवस्था से प्राप्त किया जाता है रेशम के कीटों के लार्वा के कुकून अवस्था से प्राप्त किया जाता है इस बात को याद रखिएगा सिल्क में एक प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रोइन प्रोटीन अरज रस्तोगी ने बिल्कुल सही कहा है ठीक है याद रखिएगा तो इसको इसमें हम बोलते हैं फाइब्रोइन प्रोटीन एक प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं फाइब्रोइन प्रोटीन जो सिल्क वम है सबसे बढ़िया सिल्क किस सिल्क वम से प्राप्त होता है सिल्क वम की कौन सी प्रजाति है जिससे सबसे बढ़िया सिल्क प्राप्त होता है और सिल्क वम के रियरिंग को क्या कहते हैं क्या बोलते हैं सेरीकल्चर कीटों का जो पालन है रेशम के कीटों का पालन है वो क्या कहलाता है सेरी कल्चर और जो सिल्क वम है वो मलबेरी प्लांट के पत्तियों को खाता है किस पे उगाया जाता है मलबेरी प्लांट शहतूत के पौधों के पत्तियों को खाता है इसको याद रखेगा शहतूत के पत्तियों को खाता है तो सिल्क वम का जो पालन है वो क्या कहलाता है सैरी कल्चर और आप बताइए यस बिल्कुल बॉम्बिक्स मोराई सिल्क वम बॉम्बिक्स मोराई जो सबसे बढ़िया सिल्क है वो रेशम के कीटों से प्राप्त किया जाता है रेशम का कीट का एक जाति है जिसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई उससे सबसे बढ़िया क्वालिटी का सिल्क प्राप्त किया जाता है तो इन पॉइंट्स को अपने हर एग्जाम के लिए याद रखना है ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं बिल्कुल सही अभिजीत का दीपिका गोयल कपिल अरज रस्तोगी बहुत बढ़िया मलबेरी प्लांट के पत्तियों पर शहतूत के पत्तियों को ये खाता है ठीक है तो ये सब पॉइंट्स आपको रखने हैं याद ठीक है तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर दी हैं। ठीक है तो सैरीकल्चर क्या है रियरिंग ऑफ सिल्क टू प्रोड्यूस रॉ सिल्क इज कॉल्ड सैरिकल्चर इन दिस प्रोसेस सिल्क वर्म्स आर रेयर्ड एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू गेट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम कुकून है ना सिल्क की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं वो सब आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बतला दिया नेक्स्ट क्लास में गैस हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा फिज़िक्स का टॉपिक और वो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर फोर और चैप्टर नंबर फोर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फोर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट तो इसको पढ़ के आइएगा हीट क्या होता है टम्परेचर क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर कैसे होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर में और लैब थर्मोमीटर में क्या अंतर होता है किंक क्या होता है थर्मोमीटर में उन सब बातों पे हम लोग जिक्र करेंगे तो टम्परेचर और थर्मोमीटर हम लोग बात करने वाले हैं तो उसमें हम लोग टम्परेचर की बात करेंगे थर्मोमीटर की बात करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर लैब थर्मोमीटर जहाँ से क्वेश्चन हो जाया करते हैं उनमें अंतर क्या है तो आज के सेशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने बतला दिया नेक्स्ट क्लास थोड़ी लंबी चलेगी तो हीट और टेम्परेचर पढ़ के आइएगा थर्मोडाइनमिक्स सेवेंथ में नहीं पढ़ना है थर्मोडाइनमिक्स हम लोग एलेवंथ में पढ़ेंगे हीट एंड थर्मो और उसके प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स जेरोथ लॉ ऑफ थर्मो ये सब आपको एलेवंथ क्लास में पढ़ाऊँगा मैं तो पहले थोड़ा स्टेप वाइज चलते हैं पहले बच्चों वाली बातें हम लोग क्लियर कर लेते हैं उसके बाद हम चलेंगे थर्मो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंट्रोपी जो है वो थर्मोडायनामिक्स का किस लॉ ने इंट्रोड्यूस किया जो इंट्रोपी वर्ड है वो थर्मोडायनामिक्स के किस लॉ से आया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स तो उत्तर था इंट्रॉपी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स से तो यही तो फिजिक्स क्लास अगली क्लास फिजिक्स की क्लास होगी जिसमें हम लोग हीट डिस्कस करेंगे तो जैसे जैसे चैप्टर हैं आपका एन में उसी अंदाज में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सागवान साहब ठीक है चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में तब तक रखिए अपना ध्यान और बने रहिए ऑनलाइन बेंचर्स के साथ हम लोग जो है ऐसे ऐसे सेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बहुत ही फायदा देगा एग्जाम में तो थ्योरी का भी और फिर प्रैक्टिस के लिए हम लोग घटना चक्र स्टार्ट किए हैं हम लोगों ने तो उसको जरूर आप लोग देखेंगे इसी टाइम पे होगी अब हमने शिफ्ट कर दिया जैसे कि मैंने बताया कि जो एनसीआरटी की क्लास हुआ करती थी आपकी डेढ़ बजे होती थी लेकिन डेढ़ बजे अब हम लोग घटना चक्र का विश्लेषण कर रहे हैं घटना चक्र एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के हर एग्जाम के सारे क्वेश्चन हैं तो वो पूरी बुक आती है, है ना तो लगभग पाँच हजार से ज्यादा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें तो इस टाइम पर एनसीआर होगी और डेढ़ बजे जो होगी वो क्या होगी घटना चक्र के क्वेश्चन होंगे जैसे कि आज ऐप पर जाइएगा आज हमने पहला टॉपिक लिया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका क्या कहते हैं डिवाइसेस का ओके okay? तो हम लोग लगातार ऐसे ऐसे सेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है ठीक है एन कोई पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाता नहीं है पर हम लोगों ने सोचा कि नहीं इसको भी बच्चों वाली चीज़ है पर हम लोग पढ़ाएंगे ताकि आपके क्वेश्चंस जो है छोटे से छोटा क्वेश्चन बड़े से बड़ा क्वेश्चन बन जाए ठीक हमारी कोशिश है तो इसे आप लोग जो है आप लोगों का जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं इस कोशिश को सफल मानूँगा तो हम हम लोगों का मकसद है कि भाई आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आपके सिलेक्शन में अगर हमारा थोड़ा सा कुछ योगदान होता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी तो लगातार जो है ऑनलाइन बेंचेस इसी प्रयास में कार्यरत है तो मिलते हैं अगले सेशन में डे जय हिंद थैंक यू वेरी मच अगेन